जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मेरा उन भाइयों के लिए है जो BSF की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का पूरा वीडियो BSF के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा BSF के कुछ काम ऐसे जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे, या BSF के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। दोस्तों, ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो BSF ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, या जो SSGD के थ्रू अगर तैयारी कर रहे हैं अभी, या जिन्होंने की है उनको मैं बताना चाहता हूँ BSF के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि आप गूगल पर या यूट्यूब वीडियो में देखते हैं तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं, या गूगल पर आपको सफिशियंट जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट्स BSF के बारे में, कैसी फोर्स है या क्या क्या जानकारी स्पेशल क्या है इसमें, वो सारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको BSF के कुछ ऐसे कारनामे बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता है। साथ ही बता दूं दोस्तों, मैंने CRPF और CISF स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाए हैं दोनों फोर्स के बारे में कि कौन सी फोर्स कैसी है। तो CRPF के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, जिन दोस्तों की CRPF फर्स्ट चॉइस है या CRPF में जाना चाहते हैं या CRPF के काम के बारे में नहीं पता है तो वो जाके वो वीडियो देख सकता है। CISF की ड्यूटी, CISF कैसे रहती है, कैसे ड्यूटी करती है और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स है, वो सभी वीडियो, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हो, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। हर एक वीडियो के जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं वीडियो बनाने के बाद में दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का मैं लिंक डालता हूं, आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करें BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों, मैं बता दूँ BSF वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती है, यानी सबसे बड़ी सीमा फोर्स है BSF। BSF की स्थापना आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर 1965 को हुई थी दोस्तों। शुरुआत में इसकी 25 बटालियनें थी दोस्तों, लेकिन आज 200 के आसपास इसकी बटालियनें हैं दोस्तों। BSF की अगर आपको स्पेशल BSF कहाँ ड्यूटी करती है, आपने जैसे नाम से पहचान लिया कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है केवल कि वो बॉर्डर पे ही ड्यूटी करती है दोस्तों। BSF बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, कौन से बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर पे BSF 6300 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबी सीमा दूरी पर अपनी तैनाती देती है दोस्तों। साथ ही बता दूँ, शांतिकाल में BSF बॉर्डर के आसपास रहने वाली गरीब बस्तियों की सुरक्षा का भी जिम्मा उठाती है, और देश की आंतरिक सुरक्षा में कई बार ज़्यादा जरूरत पड़ने में आपने इलेक्शन ड्यूटी में भी BSF को देखा होगा दोस्तों। इलेक्शन ड्यूटी या आपातकालीन स्थिति में देश में कोई भी आपदा आती है उसमें भी BSF सबसे आगे होती है दोस्तों। BSF के बारे में एक खास बात बता दूँ, शायद आपको नहीं पता होगा आज तक, कि BSF एकमात्र ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास खुद का एयर विंग, खुद का मरीन और खुद का आर्टिलरी रेजिमेंट है और कमांडोज भी हैं। तो BSF, आपको BSF के बारे में एक और ख़ास जानकारी दूं तो बता दूं दोस्तों कि BSF भारत पाकिस्तान युद्ध में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाया था, और कारगिल युद्ध में भी आर्मी के साथ मिलकर BSF ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसके लिए अगर BSF के हम रिवार्ड की बात करें कि आज तक BSF को कौन कौन से बड़े रिवार्ड मिले हैं, तो दोस्तों बता दूं BSF के जवानों में से एक को महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 12 शौर्य चक्र और 56 सेना मेडल भी मिल चुके हैं दोस्तों BSF के जवानों को। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार बहुत मिल चुके हैं, पद्मश्री भी मिल चुके हैं, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2000 के आसपास चले गए हैं BSF के, और वीरता पुलिस मेडल भी बहुत सारे हैं दोस्तों BSF के पास में। ऐसी ड्यूटी करता है दोस्तों कि आज हमारा देश सीमा की तरफ से हर तरफ से सिक्योर है, और BSF केवल इन्हीं इलाकों में नहीं, बांग्लादेश या इन्हीं में नहीं, सियाचिन ग्लेशियर या हिमालय की बर्फीली घाटियों में भी ड्यूटी देता है। आपको बता दूँ दोस्तों, कश्मीर में भी BSF एयरपोर्ट ड्यूटी करता है, जो सबसे हार्ड ड्यूटी होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ भी करता है BSF। तो आपको BSF में सर्विस करने के दौरान इन सभी फोर्स में काम करने का मौका मिल सकता है BSF से, स्पेशल कमांडो जैसे NSG, SPG या तो BSF के द्वारा आप दोस्तों SPG, NSG जो कि भारत की मानी जानी कमांडो फोर्स है, इनमें आप जा सकते हो BSF में, अगर आप सर्विस करते हो तो इन फोर्स में भी जा सकते हो। साथ में क्रोकोडाइल कमांडो, जो BSF की स्पेशल कमांडो है, जो पेट्रोलिंग ड्यूटी ऑपरेशन ड्यूटी करती है, आपको पता ही होगा जो BSF की स्पेशल कमांडो क्रोकोडाइल कमांडो, तो उसमें भी आप जाके अपने कमांडो बनने का सपना पूरा कर सकते हो दोस्तों। BSF एकमात्र, अगर BSF की हम सुविधाओं की बात करें तो आपको बता दूं दोस्तों कि BSF में भी सैलरी बाकी पैरामिलिट्री के बराबर सामान्य मिलती है। BSF की छुट्टियां
60 दिन ईएल, 15 डेज सीएल, सीएल में गवर्नमेंट हॉलीडेज मिला के आपको मतलब एक साल में 85 के समथिंग अभी छुट्टियां मिलती है अगर आप बीएसएफ ज्वाइन करते हो दोस्तों। बीएसएफ में भी एनपीएस पेंशन सुविधा के द्वारा, जो नेशनल पेंशन सुविधा है, पेंशन सिस्टम है दोस्तों, उसके द्वारा सभी जवानों को एनपीएस की सुविधाएँ दी गई है दोस्तों। एनपीएस में जिस रूल से जमा होते हैं उसमें बीएसएफ में भी जमा होते हैं दोस्तों। बीएसएफ के बारे में एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि संसद के मास्टरमाइंड, जो संसद में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड को बीएसएफ ने मार गिराया था दोस्तों। तो बीएसएफ का आपको पता है कितना अच्छा काम करती है और बहुत अच्छी फोर्स है। बीएसएफ की वर्दी आपने देखी होगी दोस्तों, अगर वर्दी की बात करें बीएसएफ की तो कितनी शानदार वर्दी है दोस्तों बीएसएफ की, आपने देखी होगी। पहन के भी ऐसा फौजी वाला फील होता है, साथ में आपको कैंटीन सुविधाएं मिलती है बीएसएफ में, आपके फैमिली को सुविधाएं मिलती है, मेडिकल सुविधाएं मिलती है, नॉमिनी या डिपेंडेंट को सुविधाएं मिलती है, बच्चों के लिए स्कूल की फीसें मिलती है, स्कूल मतलब एजुकेशन सुविधाएं मिलती है दोस्तों। लीव की सुविधाएं आपको बता दी है, छुट्टी की किस प्रकार सुविधाएं मिलती है बीएसएफ में, आपको रेलवे यात्रा भत्ता मिलता है दोस्तों। और जैसे गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, भूकंप ड्यूटी में भी बीएसएफ वो पहली फोर्स थी जो सबसे पहले जाके वहाँ के लोगों की जान बचाई थी दोस्तों। तो बीएसएफ बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। साथ में अगर आपका बीएसएफ में जाने का सपना है तो आप ज़रूर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि देश की मानी जानी फोर्स में से एक बीएसएफ है जिसका हिस्सा होकर आपको प्राउड फील होगा, आपके परिवार को प्राउड फील होगा, क्योंकि देश को जिस पर नाज है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको भी प्राउड फील होगा उसमें जाकर, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। आज बीएसएफ की एक अलग पहचान है, अगर आप किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी बोलते हो कि मैं बीएसएफ में हूँ, तो उसको इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो में